बिलासपुर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल बिलासपुर में अधीनरत छात्राओं के अभिभावक स्कूल के नए प्रिंसिपल के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के नए मुखिया का आचरण ठीक नहीं है, जिसके खिलाफ सुबह के समय ही एसएमसी सहित अभिभावकों ने स्कूल के गेट के बाहर प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिलासपुर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल बिलासपुर में अध्ययनरत छात्राओं के अभिभावक स्कूल के नए प्रिंसिपल के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के नए मुखिया का आचरण ठीक नहीं है, जिसके खिलाफ सोमवार सुबह के समय ही एसएमसी सहित अभिभावकों ने स्कूल के गेट के बाहर प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं उक्त घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। एसएमसी प्रधान ओम प्रकाश गर्ग ने बताया कि उक्त घटना के बारे उच्च शिक्षा उप निदेशक अमर सिंह ठाकुर को भी बुलाया गया, जिसके बाद सभी सरकारी अमला मौके पर पहुंचे तो स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही हरकतों के बारे में उन्हें बताया गया। वहीं उच्च शिक्षा उप निदेशक ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाल चड्डा की शिकायत पहले ही शिमला निदेशालय पहुंची हुई है, जिसके चलते 20 अगस्त को निदेशालय से प्रधानाचार्य का तबादला डुमेर तहसील अर्की जिला सोलन के लिए कर दिया है, लेकिन वह प्रधानाचार्य तबादला होने के बावजूद नहीं जा रहा था, जिसके चलते सोमवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में प्रधानाचार्य कक्ष की उनसे चाबी ली गई और यहां पर आए प्रधानाचार्य राकेश भारद्वाज को कार्यभार सौंपा गया। गर्ल्स स्कूल के एसएमसी अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि स्कूल में कुछ दिन पहले ट्रांसफर करके भेजे गए नए प्रिंसिपल का विवादों से पुराना नाता है। अप्रैल 2002 में स्कूल शिक्षा बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान बिलासपुर गर्ल्स स्कूल की ही 3 छात्राओं ने उन पर आपत्तिजनक व्यवहार और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। छात्राओं की शिकायत पर सदर थाना एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसके बाद कई अन्य स्कूलों में सेवा काल के दौरान भी उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, इसी वजह से उन्हें प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति भी देरी से मिल पाई। बैठक में कहा गया कि अपने आचरण और व्यवहार के चलते अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले शिक्षक को गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल बनाकर भेजना निंदनीय है। हाल ही में ऊना जिले के एक स्कूल में छात्राओं से ज्यादती का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन भय और आशंका की वजह से कई छात्राएं तो स्कूल आने से मना कर रही हैं। इससे अभिभावकों का अपनी बेटियों को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, लिहाजा प्रिंसिपल को बिलासपुर गर्ल्स स्कूल से तुरंत ट्रांसफर किया जाए। ऐसा न होने की स्थिति में अभिभावकों के समक्ष स्कूल पर ताला लगाने अथवा अपनी बेटियों को दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए सिवा कोई चारा नहीं होगा। थाना में हम नहीं रहने देना चाहते हैं। सरकार से अनुरोध करने पर उनकी जो ट्रांसफर थी वो कैंसिल हो गई। वो जहाँ से आए थे वहाँ के उनके आदेश हो गए, परंतु बार बार बोलने पर भी वो कहते हैं कि मैं इनका आदेशों को नहीं मानता हूँ। आप कौन होते हैं बोलने वाले? क्योंकि पाठशाला प्रबंधक समिति जो है सरकार द्वारा बनाई गई, सरकार के नियमानुसार बनाई गई है। उसकी ड्यूटी होती है कि पाठशाला का प्रबंध सुचारू रूप से देख सके। तो इस प्रकार जब वो रिलीव नहीं हो रहे थे तो सब लोग यहाँ पर एसएमसी के सदस्य आए, उन्होंने भी उनसे अनुरोध किया, परंतु उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर हमने डिप्टी डायरेक्टर महोदय को बुलाया और उनके कहने पर उन्होंने कहा कि आपके आदेश जो हैं वो कैंसिल हैं, अब आप यहाँ पर किसी हैसियत में नहीं रह सकते हैं, कृपया चले जाएं। इसे विद्यालय प्रबंधन समिति के जो कार्यकारिणी है वो पाठशाला में आज उनकी मासिक बैठक के लिए आए, तो उन्होंने रजिस्टर ढूंढा, रजिस्टर नहीं मिला उनका जो प्रस्ताव रजिस्टर है, तो वो उन्होंने फिर पुलिस बुलाई और हमारे जिला के जो शिक्षा उपनिदेशक श्री अमर सिंह ठाकुर जी, उनकी मौजूदगी में उनसे बरामद हुआ जिसको कि वो देने से मना कर रहे थे, और टीचर अटेंडेंस रजिस्टर वो भी उन्हीं के पास था, उनके लॉक एंड की में था, वो भी पुलिस वाले और जो हमारे विभाग के उपनिदेशक शिक्षा हैं उन्होंने उनसे हमें दिलवाया, वो मिल चुका अभी हमें। आइंदा के लिए जो भी विभाग के आदेश होंगे हम उनका पालन करेंगे। कि सर बताया जा रहा है कि यहाँ के चाबियाँ वगैरह भी उन्हीं के पास हैं, क्या वो चाबियाँ दे गए हैं या उन्हीं के पास ही तक? अलमीरा की चाबियाँ उनके पास ही, अभी मुझे हैंडओवर नहीं की उन्होंने। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि वो चाबियाँ भी दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अपना उसमें कुछ व्यक्तिगत सामान है, तो उसके बाद ही मैं दे पाऊँगा।